दोस्तों, अगर आप एक म्यूजिक लवर हैं, बेस के साथ आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ब्लूटूथ स्पीकर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसी के साथ साथ होम थिएटर का भी मैन्युफैक्चरिंग इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, नंबर पहले पे आता है होम थिएटर मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, आजकल के टेक्नोलॉजी भरे जमाने में स्ट्रेस को कम करने के लिए म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जिसे सुनने के लिए होम थिएटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका बेस इफेक्ट अच्छा होने के कारण लोगों का थकान दूर हो जाता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले लकड़ियों की सीट को दूसरी फैक्ट्री से मंगा के असेंबल किया जाता है और उसके इंटरनल ज्वाइंट पे ग्लू लगा के अच्छे से चिपकाते हैं और फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज के इसके अंदर वायर लगाते हैं और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगाकर सभी वायर को असेंबल करते हैं। फिर 40 वाट के स्पीकर को असेंबल करके ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इन्हें होम थिएटर की बॉडी से जोड़ने के लिए स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इनपुट और आउटपुट पे बैक पैनल लगा के स्क्रू से टाइटली कसते हैं और होम थिएटर के सभी वायर, जैसे कि ट्रांसफार्मर वायर, स्पीकर वायर, फ्रंट पैनल वायर, सभी वायर को सर्किट बोर्ड से अटैच करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ कुछ वर्कर बैक पैनल को असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं और होम थिएटर से हीट निकलने के लिए प्लास्टिक के एग्जॉस्ट पे ग्लू लगा के होम थिएटर में इसे फिक्स करते हैं और फ्रंट पैनल में सभी वायर को अटैच करके ग्लू की मदद से फ्रंट पैनल को चिपकाते हैं। फिर इसके साथ लगने वाले छोटे छोटे स्पीकर को बनाने के लिए प्लास्टिक बॉडी पे स्पीकर को रख के स्क्रू से टाइटली कसते हैं और बैक कवर लगा के इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर होम थिएटर के टेस्टिंग प्रोसेस में होम थिएटर का बेस, वोकल, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट चेक किया जाता है और टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद से इसे पॉलिथीन में पैक करके एक बड़े बॉक्स में सभी पार्ट्स को पैक किया जाता है। फिर बॉक्स पे कंपनी का लेबल लगा के होम थिएटर को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पे आता है ब्लूटूथ स्पीकर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसमें लगने वाले स्पीकर को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बॉटम प्लेट पे ग्लू को लगा के मैग्नेट को चिपकाया जाता है। फिर मैग्नेट पे ग्लू लगा के बास्केट को चिपकाते हैं। बास्केट अच्छे से चिपक जाने के बाद अब इसे दूसरी मशीन में भेजते हैं, जहां स्पीडर और कॉइल में ग्लू लगा के स्पीकर में चिपकाते हैं। फिर कॉइल से निकले वायर को बाहरी स्ट्रक्चर पे सोल्डिंग किया जाता है। अब इसके कॉइल और स्ट्रक्चर पे ग्लू लगा के सराउंड को फिट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सराउंड जो है कि बेस इफेक्ट को काफी ज्यादा बढ़ाता है। फिर टर्मिनल में करंट देके स्पीकर को चेक करते हैं। फिर दूसरी मशीन में रख के ग्लू लगा के उसके ऊपर डस्ट कवर लगाते हैं। अब स्पीकर से निकले एक्स्ट्रा वायर को कटिंग करके टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। इस तरह स्पीकर पूरी तरह बन के तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जिसके लिए ग्रीन प्लेट को सर्किट मेकर मशीन में रख के सर्किट को ड्रॉ करते हैं। फिर इस पे छोटे छोटे कंपोनेंट लगा के ऑटोमेटिक मशीन से माइक्रोचिप को लगाते हैं। फिर इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को लगाते हैं, साथ ही में एक डायरेक्शन में पावर को भेजने के लिए इसमें डायोड भी लगाते हैं। फिर चार्जिंग सॉकेट लगा के सोल्डिंग किया जाता है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में सभी पीसीबी को तोड़ लिया जाता है, जिससे पीसीबी पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसमें लगने वाले बैटरी को बनाने की। इसे बनाने के लिए ब्लैक लिथियम को एक कंटेनर में डाला जाता है, साथ ही अन्य केमिकल को डाल के अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे एक पेस्ट बनके तैयार हो जाता है और इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट पे लगाते हैं। फिर जब ये पेस्ट सूख जाता है तो इसके कुछ पार्ट को काट के टेस्टिंग प्रोसेस किया जाता है और सही रिजल्ट निकलने पे इसे रोलिंग मशीन से निकाल के एक बंडल तैयार कर लिया जाता है और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पे लिथियम पेस्ट लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से इसकी मोटाई को टेस्ट करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्करों द्वारा इन्हें कलेक्ट करते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर शीट को रखते हैं और इसी तरीके की अरेंजिंग करते हुए एक मोटा लेयर तैयार कर लेते हैं। अब इंटरनल बैटरी के ऊपर एल्युमिनियम शीट लगाया जाएगा। उसके लिए एल्युमिनियम शीट को पतले पीस में कटिंग करके बैटरी के इंटरनल हिस्से को डाल के पूरी तरह पैक कर देते हैं।
उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड सीट को कटिंग करके बैटरी के बीएमएस को भी लगाते हैं। लास्ट में बैटरी के ऊपर हीटिंग टेप लगा के इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को भी चेक करते हैं। इस तरह बैटरी पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जहां पे पीसीबी के साथ में बैटरी को सोल्ड करके साथ में स्पीकर को भी अटैच किया जाता है। फिर सभी पार्ट को ब्लूटूथ के बॉडी में फिट करके सोल्डिंग किया जाता है। अब इसकी बॉडी को क्लोज करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। फिर इसे दूसरे यूनिट में भेज के इसका टेस्टिंग प्रोसेस किया जाता है। इस तरह से पूरी तरह ब्लूटूथ स्पीकर बनके तैयार हो जाता है। फिर इसे पैकिंग करने से पहले सर्कुलर फॉर्म लगाकर उसके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगाते हैं। फिर इसके बॉक्स में वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल और साथ ही में ब्लूटूथ स्पीकर को रख के पैक करते हैं और लास्ट में बॉक्स को क्लोज करके ऊपर से टेप लगा के पॉलिथीन में पैक करते हैं। इस तरह से ब्लूटूथ स्पीकर पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, बहुत सी कंपनी ब्लूटूथ स्पीकर अलग अलग सेफ, अलग अलग साइज में बनाती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।